गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, राधिका खेड़ा, तीन नेता, इन तीनों में क्या एक समान है? कांग्रेस में रहते हुए राम मंदिर पर सवाल उठाया, पार्टी छोड़ी तो राम के नाम पर कांग्रेस पर ही सवाल उठाया। राधिका खेड़ा प्रवक्ता से कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता हो गई। राम की आस्था में कांग्रेस पर बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया, पार्टी से अलग हो गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत जब वहां से मैं वापस आई तो मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। कांग्रेस ये दलील देती है कि राधिका खेड़ा राम के नाम पर झूठी राजनीति कर रही। दावा कांग्रेस का ये कि मंदिर दर्शन करने तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी गए, चुनाव भी लड़ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत भी गई, प्रवक्ता बनी हुई है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी मंदिर दर्शन किया, वो भी उम्मीदवार है, विक्रमादित्य सिंह राम मंदिर दर्शन करने गए, उम्मीदवार भी है। कांग्रेस कहती है कि चन्नी भी राम मंदिर के दर्शन करके आए हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, फिर भी राधिका खेड़ा श्री राम के नाम पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके पार्टी से विदा लेने वाली पहली नेता नहीं है। मैंने हर व्यक्ति को जाकर अपनी भावना अवगत कराई, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भले कितना भी पूछ लो, हर बड़े नेता को कि ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना महापाप है, ये शब्द मैंने बोले, और महापाप का दंड भारत के लोग जरूर देते हैं। मैंने ये कहा कि सनातन के ऊपर जब वार हो रहा है तो मौन चुप्पी देना महापाप है। जिनके नाम में राम है वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं कब समझ नहीं पाती थी। कभी पार्टी को बचाने वाले ही हाथ छोड़कर हथियार पार्टी के खिलाफ उठा लिए तो मौका बीजेपी को मिला। तुष्टिकरण में डूबी कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का बायकॉट कर दिया। कांग्रेस का कोई नेता अगर भक्ति भाव से राम मंदिर चला जाता है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया, उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। चरण दर चरण वोटिंग से पहले जैसे मुद्दे बदल रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस छोड़ने वाले और राम का नाम लेकर सवाल उठाने वाले चेहरे भी बदल रहे हैं। असर वोटर तक कितना होगा, जवाब 4 जून को देश के सामने आएगा।